केन्द्र कर्मचारी खुशी खबर दशहरा पूर्व केन्द्र सरकार को उपहार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस वो एलटीसी कैश भाउचर स्कीम आरंभ घोषणा कले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तबे प्रथमे जानिबा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना कौन रही आगामी छह मास पर्यंत एहि स्कीम उपलब्ध रहिब अर्थव्यवस्था को बुस्ट देबाको केन्द्र सरकार योजना एहि स्कीम रे कर्मचारी को 10,000 टंका अग्रिम मिलिब एहि अर्थ को 31 मार्च 2021 मध्यरे खर्च करबाको पड़िब जहाँ 10 टी किस्ती रे सुझि पारिबे स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम पई 4,000 कोटी टंका खर्च होइब तबे जदि राज्य सरकार चाहिबे तबे अतिरिक्त 4,000 कोटी मिसाई मोट खर्च होइब 8,000 कोटी टंका We think that the central government employees, if they opt for it, this will cost around 5,675 crores. And employees of the public sector banks and employees of the public sector other undertakings will also be allowed to avail of this facility. And we think for them, for the PSBs and PSUs, the estimated cost for them will be about 1,900 crores, which anyway they will have to bear if the LTC schemes were to be running without any obstruction. सहीपरी आरंभ होइछि एलटीसी कैश भाउचर योजना एही स्कीम रे कर्मचारी को नगद टंका मिलिबो जहाँ को से खर्च करि परिबे एहा द्वारा अर्थव्यवस्था रे सुधार आसिबो एहार लाभ पीएसयू व राष्ट्रीयत बैंक रो कर्मचारी को मिलिबो एलटीसी बदल रे नगद टंका रो वितरण डिजिटल हेबो एलटीसी कैश भाउचर को 12% रो अधिक टिकस लागथिबा प्रोडक्ट उपरे खर्च करबाको हेबो You will spend them only in a digital mode, no cash transactions. And you will spend them only on GST registered places which sell such goods or provide such service. And therefore, a GST invoice will be required and they will be reimbursed. So otherwise, the LTC ticket fare component which is now divided into 3 flat rates per person that you normally take, will have to be given, taken, and you spend 3 times that amount to benefit from this scheme. एही टंका रे ट्रेन वो प्लेन भरा टिकस मुक्त रहिबो एही स्कीम रे 5,675 कोटी टंका खर्च हेबो पीएसयू और राष्ट्रीयत बैंक पाई रही 1,900 कोटी एहाद्वारा 28,000 कोटी टंकार अतिरिक्त उपभोक्ता आय आसिबार लक्ष्य रही राज्य सरकार चाहिले निजस्व एलटीसी लागू करिपारिबे ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़